पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। मोस्ट रिक्वेस्टेड ये रेसिपी थी कि चिकन ब्रेड को कैसे बनाते हैं, वो भी ओवन के बगैर। ओवन में तो बहुत सारी रेसिपीज़ आपने देखी होंगी कि ओवन के साथ कैसे बनाई जाती है चिकन ब्रेड, बट द मेन थिंग इज़ कि इसको विदाउट ओवन कैसे बनाया जाता है। तो लेट्स चेक आउट कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए 1.5 कप पानी, 1.5 कप ऑफ वाटर। नीम गर्म पानी हो, ना ये बहुत ज़्यादा खोलता हुआ उबला हुआ पानी हो, ना बहुत ज़्यादा ठंडा, वार्म वाटर। आप इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लो। और उसके साथ इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून ईस्ट, यानी कि खमीर, इंस्टेंट ईस्ट जो आपको ईजिली मार्केट से कहीं भी मिल जाएगा। आपने इसमें 1.5 चम्मच वो डाल देना है। साथ में आपने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून शुगर। शुगर और ईस्ट जो है वो डिज़ोल्व होंगे अच्छे से, और फिर वो अच्छे से ब्लूम हो जाएंगे, यानी कि राइज हो जाएंगे वो। तो इसको आपने रख देना है पूरे 10 मिनट। दो चिकन ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि मैदा। अगर आप एक चिकन ब्रेड बना रहे हैं तो आप उसमें 1 कप मैदे का डालें। उसके साथ इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून नमक। आपका 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर से मिक्स करें आप चम्मच की मदद से। और उसके बाद इसमें जो आपने पानी रखा था ईस्ट का, वो पानी आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें और इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लें। एंड मेक श्योर टू वॉश योर हैंड बिफोर नीडिंग। और इसमें आपने सारा पानी डाल लिया और इसको अब अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। और इसको गूंदने के लिए, इसको अच्छे से गूंदने के लिए आपको 1.5 कप ऑयल का चाहिए होगा। 1.5 कप ऑयल आपने एक साथ ऐड नहीं करना है, इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है। और फिर इसको आपने अच्छे से गूंदना है। और याद रहे कि मैदा जो है वो ऑयल की मदद से ज़्यादा गूंदा जाता है, बजाय इसके कि आप उसमें पानी डालते जाएँ, जैसे हम आटा गूंदते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऑयल से मैंने इसको अच्छे से गूंद रहे और ऑयल से मैं इसको अच्छे से गूंद रही हूँ। और इसको इतना अच्छे से गूंदे कि इसमें कोई लम्प्स ना रहे और मैदा जो है वो आपके हाथों से चिपके ना, और नीचे बाउल से भी बिल्कुल भी ना वो चिपके, यानी कि स्टिक बिल्कुल भी ना हो। और जब आपका मैदा जो है वो बिल्कुल स्टिकी ना हो और बिल्कुल ईजीली आप उसको उठा लें चिपके भी ना, तो इट्स मीन कि आपकी जो डो है, आपका मैदा जो है वो बिल्कुल तैयार है। और अब इसको हम लोग 1 घंटे के लिए रख देंगे, कवर कर देंगे। ये मैंने क्लिंग शीट से इसको कवर कर दिया, बट आप कोई भी वार्म टॉवल से या फिर किसी भी ब्लैंकेट के नीचे इसको रख दे ढक के। गर्म जगह पे रहेगा तो फिर ये जो डो है ये राइस हो जाएगी, फूल जाएगी। आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दें। तब तक हम इस अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें प्याज डाल लें और प्याज बिल्कुल आधी चॉप की हुई प्याज डाल लें आप, और जब वो पिंक हो जाए तब उसमें आप 2 चम्मच मैदा डाल लें। प्याज को आपने काला नहीं करना, बिल्कुल पिंक हो, हल्की सी पिंक हो जाए, उससे फ्लेवर जरा इन्हेंस हो जाता है। तो अब इनको आप अच्छे से मिक्स कर लें मैदे को। और फिर जब आप ये देखें कि मैदा जो है वो बिल्कुल गोल्डन हो गया है, तो आप इसमें 1 कप दूध का डाल दें, साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून वाइट पेपर का और मिक्स हर्ब यानी कि ऑरिगानो, बेजिल्स और थाइम आप डालें, अगर आपके पास नहीं है तो इट डजंट मैटर। और इनको आपने फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और इसके साथ ही इसमें जाएगी काली मिर्च, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून एक्स्ट्रा डाला था उसके बाद। और फिर उसके साथ हमें चाहिए होगा 1 कप बॉयल चिकन, श्रेडेड चिकन जो है वो बॉयल होना चाहिए। आप इसको अच्छे से बॉयल कर लें और श्रेड कर लें इस तरह। और अब ये इसमें मैं क्रश्ड रेड चिली डाल रही हूँ, यानी कि दड़ा मिर्च, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर आ जाता है ब्रेड में। और उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम के डाले हैं। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप चीज़ डालें, बट दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, दोनों चीज़ मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने ऐड कर लिया फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए। अब इसको आप हाई फ्लेम पर अच्छे से कुक करें। और तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि विदाउट ओवन हमने ब्रेड कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आप एक पतीला लेंगे और उसमें 1 पैकेट आप नमक का बिछाएंगे, 1 या 1/2 पैकेट नमक हम इसलिए बिछाते हैं उसमें ताकि जो हीट है वो डायरेक्ट हीट ना पहुँचे हमारी कोई भी जो हम चीज़ बेक कर रहे हैं उस तक। मोर ओवर ये आपके पतीले को जलने से बचाती है। तो लेकिन आप ये ध्यान करें कि जो नमक है वो आप दोबारा अपनी कुकिंग में बिल्कुल अपने खाने में इस्तेमाल ना करें। हाँ, यही नमक जो है वो बेकिंग में
टू 10 टाइम यूज़ हो सकता है। और अब हमने इसमें अपना जाली स्टैंड रख लिया, अगर आपके पास जाली स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी देगची का ढक्कन इसके ऊपर रख सकते हैं और इसको आप कवर कर लें 10 टू 15 मिनट के लिए, यानी कि इसको प्री हीट कर लें हाई फ्लेम पर। और एक डेढ़ घंटे बाद हम अपनी डो की तरफ आते हैं, तो डो राइस हो गई अच्छे से। और अपने दोनों हाथ को आप ऑयल लगा लें ताकि डो स्टिक ना हो आपके हाथों से, और इसको अच्छे से दोबारा से गूंद लें, यानी कि नीट कर लें एक मिनट के लिए इसको गूंद लें। और इसको गूंदने के बाद इसको आप टू पोर्शन में डिवाइड कर दें, क्योंकि मैं दो चिकन ब्रेड्स बना रही हूँ, आप इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लें और साइड पर आप मैदा रख लें। तो ब्रेड को मैंने जो मैदा है खुश्क मैदा उसमें मैंने रखा है, उसके बाद इसको मैं अच्छे से गोल कर रही हूँ, जैसे बेल रही हूँ, जैसे रोटी को बेलते हैं, लेकिन रोटी की तरह आपने इसको गोल नहीं करना, आपने इसको ओवल शेप यानी कि लंबाई में आपने इसको बेलना है, इतना कि इसमें आपकी चिकन ब्रेड का जो चिकन ब्रेड की जो फिलिंग है वो ईजीली आ जाए। सो अब मैं इसमें चिकन ब्रेड की फिलिंग अपनी डाल रही हूँ और सारी फिलिंग मैंने इसमें डाल ली है, और ये फिलिंग को मैंने बिल्कुल बराबर कर दिया। और मैं इसकी साइड्स पे अब कट लगा रही हूँ, कट जो है वो चौड़े चौड़े आपने लगाने हैं, अगर आप छोटे कट लगाएंगे तो वो होगा कि वो बिल्कुल स्ट्रिप्स एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, तो आपने चौड़े चौड़े कट लगाने हैं तो स्ट्रिप्स वगैरह बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएँ। तो ये मैंने सारे कट लगा लिए हैं और इसको मैं छोटा ही रख रही हूँ ब्रेड को, क्योंकि जो प्लेट है जिसके ऊपर मैंने ब्रेड रखनी है और पतीला जो है वो छोटा है, तो मैं छोटे ही कट लगाऊंगी। दूसरा तरीका है, दूसरी ब्रेड को मैं इस तरह बना रही हूँ कि इसको मैंने इस तरह रख लिया है और आप देख सकते हैं मैंने किस तरह इसको रोल किया और कट लगा रही हूँ मैं इसके ऊपर। ये भी बहुत ये ज़्यादा आसान तरीका है वैसे, और इसको मैंने इस स्ट्रिप्स को मैं अब इसके ऊपर रख रही हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी जिस प्लेट में हम लोग अपनी ब्रेड रखेंगे उसको ऑयल से अच्छे से ब्रश कर लें। अब इसको हम लोग अंडे की मदद से, और अंडे के अंदर मैंने येलो कलर डाला था उसकी मदद से मैं अब इसको ब्रश कर रही हूँ, और अंडे से आएगा कि बहुत क्रिस्पी सा वो हो जाएगा और कलर बहुत अच्छा आएगा। इसमें मैंने येलो कलर जो है पिंच ऑफ येलो कलर मैंने ऐड किया है। अब इसमें आप सेसमी सीड आप डालें, वो नहीं है यानी कि आपके पास अगर तिल नहीं है तो आप इसके ऊपर काले तिल डाल दें, नहीं तो कलवंजी भी चलेगी। तो ये मैंने इसके ऊपर सारे सेसमी सीड डाल दी हैं। अब हम इसको प्री हीटेड पतीले में हम लोग रखेंगे 20 से 25 मिनट के लिए, वो भी हल्की आंच पे। आप फ्लेम जो है बिल्कुल लो करेंगे, लो टू मीडियम, मीडियम भी नहीं करना, आपने लो टू मीडियम रखे और इसको 25 मिनट तक बेक होने थे। और ये देखिए हमारी चिकन ब्रेड जो है वो कितने अच्छे से रेडी हो गई है नीचे से भी, और ये आप ऊपर से भी देखिए इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। और हाँ, अगर आप इसको अगर आपको लगता है क्रिस्पी नहीं है तो आप इसको तवे पे थोड़ी देर के लिए आप इसको रख सकते हैं हाई फ्लेम पे, तवे पे इसको एक दो मिनट के लिए सेक लें, लेकिन इट्स टोटली ऑप्शनल। मैं वैसे करती नहीं हूँ इस तरह, लेकिन मैं भी आपकी सहूलत के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये हमने इसको डिश आउट कर लिया है व्यूवर्स, तो इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा गोल्डन आया है, और आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। तो हमारी चिकन ब्रेड बिल्कुल रेडी है। दिखाती हूँ कि ये कट करके मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक बटन को हिट कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ मुझे अपने व्यूज़ बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और क्या हमें मज़ीद ओवन के बगैर रेसिपी शेयर करनी चाहिए या नहीं। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो अल्लाह हाफिज़।